अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं वीडियो बना रही हूँ और तबीयत मेरी बेहतर है, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं पकौड़े, वो भी बंद गोभी और आलू के। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ, तो चले हम लोग रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और जो जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो चले हम रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखें, एक पाव हमने बेसन लिया है और आधी हमने बंद गोभी ली है, दो आलू लिए हैं बड़े साइज़ के और दो हरी मिर्चें लिए हैं, आधी गड्ढी हमने हरा धनिया लिया है। बाकी हम साथ साथ आपको वीडियो में दिखाते जाएंगे कि हमने क्या क्या लिया है। तो चले हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज कुकिंग मैं नहीं कर रही हूँ, पकौड़े मैं नहीं बनाऊँगी, आज पकौड़े भाभी बना रही हैं, वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चले देखते हैं भाभी कैसे पकौड़े बनाते हैं और साथ साथ आपके साथ बात भी करते रहेंगे और पकौड़े भी बनाएंगे। तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा, इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। फ्रेंड्स, ये देखें, ये सारी हमने जो जो चीज़ें ली थी, आलू, हरा धनिया, बंद गोभी, ये हमने काट लिया है बारीक बारीक, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। ये देखें, हम इसके अंदर बेसन ऐड कर रहे हैं। ये पूरा बेसन हमने इसके अंदर डाल दिया, ये एक पाव बेसन है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने वाले हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है। हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी है। नमक हम हसबे ज़रूरत डालेंगे इसके अंदर, हसबे ज़रूरत नमक ले लिया हमने। हाफ टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है, नमक ऐड कर दिया है, ज़ीरा ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दी है। ये हमने हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। अब अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखें, ये हमने 10 से 15 मिनट मसाला बना के रख दिया था। ये बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था, ना ये ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा ये लिक्विड है। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ज़ारा बहुत रो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी भाभी की हेल्प कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये रेडी होने वाले हैं, तो बस फिर ये मैं निकाल दूँगी। देख सकते हैं आप लोग कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये, बस ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस ये मैं इसको निकालने वाली हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चले मैं निकाल देती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ मज़ेदार से पकौड़े। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं और ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कैसे लगा। ये देख सकते हैं आप लोग,
इतने मज़ेदार लग रहे हैं ये, और ये मैंने टेस्ट करे हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखें ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे बने हैं। तो प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे।